आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मशरूम के फार्मिंग ख़त्म हो जाने के बाद वो जो भूसा है, वेस्ट है, उसको किस तरह से उपयोग में लेना है। जो कंपोस्ट मशरूम के वेस्ट से बनता है वो सबसे उन्नत मान का रहता है, बेस्ट क्वालिटी कंपोस्ट आप बना सकते हैं। जस्ट इसको इस तरह से आप समय समय पे गीला करके स्टोर करके रखिए, 1 से 3 महीने के अंदर बहुत ही अच्छा खाद बन के तैयार हो जाएगा। अभी हम आपको एक गार्डन टूर करवाएंगे, यहाँ पे एक फार्मर ने अकेले सिर्फ और सिर्फ मशरूम के वेस्ट कंपोस्ट का इस्तेमाल करके इतना अच्छा साग सब्जियाँ फल फ्लावरों का एक बहुत सुंदर सा गार्डन बनाया है। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस गार्डन में है कटहल, कटहल की फार्मिंग। अच्छा, ये हो गया ओल, ओल कचू बोल के एक सब्जी है, ओल कचू। नेक्स्ट এটাও এক ধরনের কচু, লতা কচু হয়, এবি এক প্রকার কা কচু হয় ভেজিটেবল। ইয়ে লাগায়া গয়া লিচু কা প্ল্যান্ট, লিচি, ইসমে লিচি হোগা। এটা নারকেল, ইয়ে নারিয়েল কা পেড় লাগা দিয়া গয়া হ্যায়। ইয়ে লাগা দিয়া গয়া হ্যায় আনারস, মতলব পাইনঅ্যাপল, পাইনঅ্যাপল, पपीता, पेपे। नींबू, नींबू का पेड़, देखिए छोटा छोटा नींबू हो भी गया है। ये भी एक प्रकार का साग होता है, काफी इसके हर्बल वो है, यूजेज है। ये लगा दिया है इसमें हमने सुपारी का पेड़ और ये कुछ कुछ फ्लावर्स के चारा, इस तरह से इसको यूज किया गया है। और कुशक, कुशगर का ঠিক আছে। সুপারি কা পেড়, সিম, সিম সবজি, সিম সবজি, শশা, শশা, খিরা, খিরা কা পেড়, সব জৈব উপায়ে তৈরি। কাকরোল, বা খুব সুন্দর কাকরোল গাছ। এটা বটবটি, বটবটি গাছ, ভেজিটেবল। ওকে, উপরে কি লাগিয়েছে? মাচাদ লাগিয়ে বটবটি। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা ভিন্ডি, ভিন্ডি লাগানো হয়েছে, ছোট ছোট ভিন্ডি হচ্ছে। অর্গ্যানিক ভেজিটেবল গার্ডেন, লঙ্কা, মির্চি। ওকে, বেগুন, বেগুন নিচে, ঠিক আছে। ডাটা শাক, পাম্পকিন, পাম্পকিন তার সাথে, হ্যাঁ, পেঁপে, পপিতা, পাট শাক, আপ দেখ সকতে হ্যায় কিতনা হি আচ্ছা অর ইতনে ভ্যারাইটিজ
उगाए गए हैं इतने से एरिया में। मशरूम के वेस्ट कंपोस्ट का इस्तेमाल करने का पहला सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि बहुत ही तेज़ ग्रोथ करता है। जो भी आप पौधे लगाएंगे वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, कोई भी प्रकार के कीट पतंग आसानी से नहीं आएंगे और बीमारियां भी कम होगा पेड़ों को। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार की जानकारी या हमें संपर्क करने के लिए ऊपर दिए गए वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।